हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 42nd वीडियो में आप सबका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि कुल में यानी परिवार में अधर्म की अगर प्रधानता हो तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। आज भगवद गीता के एक की बजाय करीब 4 श्लोकों की अर्थ हिंदी में मैंने यूज की है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए संस्कृत को कवर नहीं किया क्योंकि करीब 5 से 6 मिनट में ही वीडियो को कंप्लीट करना होता है। देखिए, अगर परिवार में अधर्म है, सपोज जो परिवार का मुखिया है वो ड्रिंक करता है, नॉनवेज खाता है या पर स्त्री गमन करता है, ये अधर्म है, रिश्वत लेता है, गलत काम करता है, किसी भी तरह से लोगों को धोखा देता है, उनका अपमान करता है, घर में किसी तरह के पूजा पाठ का वातावरण नहीं है, घर में ही बैठ के जैसे कई लोग ड्रिंक करते हैं, वो सोचते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। शायद क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये पता तो है कि ये अधर्म है, बट फिर भी शायद हम उसके परिणामों के बारे में नहीं जानते। हमें लगता ठीक है, सभी लोग ऐसे हैं, सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है, हम भी उसी के जैसे बन जाते हैं, हम भी अधर्मी बन जाते हैं, अधर्म करते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता। एक्चुअली इन चीज़ों के जो प्रभाव हैं वो बड़े सटल होते हैं, मतलब बड़े सूक्ष्म प्रभाव होते हैं जो फिर लॉन्ग रन में पता चलते हैं। कई बार उस पीढ़ी में ना सही, अगली पीढ़ी में ये सब चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी, कहते हैं ना कुल, इसीलिए खानदान परिवार, ये उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसको हम अभी अगले 2-3 मिनट में डिस्कस करेंगे। और बड़ा क्लियरली लिखा है, शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भगवद गीता में स्पष्ट चीजें लिखी हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले अध्याय का ही 40वां श्लोक लेते हैं जिसमें बताया गया है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो, परिवार में खानदान में अधर्म प्रमुख हो, तो क्या होता है कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती। देखिए, जब परिवार का व्यक्ति ही गलत काम कर रहा हो सारे, तो जो लेडीज़ हैं उनकी माइंड पर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो ये लिखा है कि जो ऐसा होने से क्या होगा, फिर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और फिर उनका जो स्त्रीत्व है, जो उनका जो डेडिकेशन है फैमिली के लिए, उसका पतन होता है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, यानी फिर जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी उसी मेंटालिटी के पैदा होते हैं। जो माता पिता की सोच है उसका प्रभाव भी आने वाली संतानों पर पड़ता है। फिर क्या होता है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने के लिए, विनष्ट मीन्स फिनिश, बर्बाद करने के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। जिस वक्त हम गलत काम कर रहे होते हैं तुरंत उसी वक्त नरक जैसा जीवन उत्पन्न नहीं हो जाता, समय लगता है किसी भी चीज को फलीभूत होने में। जैसे पेड़ में भी बीज डालते ही शाम को फल नहीं मिल जाता, टाइम लगता है। तो अच्छी चीज होने में भी इस दुनिया में टाइम लगता है, बुरा प्रभाव आने में भी टाइम लगता है। जब बुरा प्रभाव आता है तब हम पछताते हैं या तब भी शायद हम यही सोचते हैं कि हमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। जो गलत हम कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार उसको समझना होगा, नहीं तो जो हमारी संतानें हैं, देखिए कितना इसमें साफ साफ क्लियर लिखा है, जो हमारे घर में स्त्रियां हैं, लेडीज हैं, सबसे पहले आपकी यानी कि जेंट्स की गलत एक्टिविटीज का प्रभाव उनके मन पर पड़ेगा और उससे फिर संतानों पर पड़ेगा और उससे क्या होगा, जो पारिवारिक परंपराएं हैं, आज हम अपनी परंपराएं इसलिए तो भूल रहे हैं, वो नष्ट हो रही हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। शायद हम सोचते हैं कि अच्छा है कि फालतू के रीति रिवाज और परंपराएं जो हिंदू धर्म में थी वो नष्ट ही हो जाए तो अच्छा है। खुद ऐसा शायद आजकल के मॉडर्न जेंट्स जो परिवार के मुखिया हैं वो ऐसा सोचते हैं और उससे फिर क्या होगा, धीरे धीरे नारकीय जीवन उत्पन्न होगा, नरक जैसा जीवन। और क्या होगा कि जो पतित कुलों के पुरखे हैं, जो पितर लोग हैं, ये पितर लोग क्या होता है, देखिए गीता में भी पितरों का वर्णन आ रहा है। कई बार किसी कारण से जो हमारे फोर फादर्स हैं उनको जो है प्रॉपर शरीर नहीं मिल पाता, तो वो अभी सूक्ष्म शरीर में, सटल बॉडी में ही रहते हैं और ऐसे में जब हम पूजा करते हैं और भगवान का भोग अर्पित करते हैं तो वो पितरों को भी पहुंचता है, जिससे वो तर जाते हैं, यानी कि उनको दोबारा एक नॉर्मल बॉडी मिलती है या वो धाम को चले जाते हैं। लेकिन अगर अवांछित संतानें होंगी, इस तरह की परिवार में स्थिति होगी, तो ये पूजा पाठ तो ढंग से होगा नहीं, उससे क्या होगा, जल तथा पिंड देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, लोग धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि ये बेकार है और उससे फिर उनको प्रभाव होता है।
जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। गीता में साफ साफ लिखा है कि इसका लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट होता है कि जो हमारी सामुदायिक योजनाएं हैं और पारिवारिक कल्याण कार्य, ये सब धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ये इम्पैक्ट है। और गुरु परंपरा से सुना है, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें ना बड़ी सटल होती हैं, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम अधर्म का अपने घर में पालन करते हैं तो तुरंत उसका प्रभाव नहीं महसूस होता। जैसा मैंने कहा, मैं फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हमारी लेडीज़ पर जाता है, हमारे बच्चों पर जाता है, और धीरे धीरे जो हमारी परंपराएँ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसका नाश हो जाता है, और उससे फिर चल के लॉन्ग रन में परिवार का नाश होता है। तो सभी से प्रार्थना है, शास्त्रों को पढ़ें, समझें, अपने परिवार में पूजा पाठ और सात्विक माहौल रखें, संस्कृति को, जो भारत की मूल संस्कृति है, उसको बचाने का जरूर प्रयास करें। हरे कृष्ण।